फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हरियाणा करंट जीके का 14वां भाग करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है ये अभी आपके जो करंट्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि नए क्वेश्चन हैं बिल्कुल, जो कि आपके आने वाले एचएसएससी के एग्जाम से, एचएसएससी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस के लिए और स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है कि हरियाणा प्रदेश की पहली ला यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई जा रही है? तो दोस्तों, ये बनाई जा रही है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा प्रदेश की जो है वो पहली लॉ यूनिवर्सिटी है। तो इसके कुलपति डॉक्टर केसी शर्मा है। क्वेश्चन नंबर दो है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यालयों में किस प्रकार की बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है प्लास्टिक की बोतलों पर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो सरकार ने सुझाव दिया है कि प्लास्टिक की बोतल की जगह जो है वो ग्लास, स्टील या एल्यूमिनियम के जो बोतल्स हैं उनका प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर तीन है कि प्रदेश के सभी जिलों में दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने के लिए किस जिले का मॉड्यूल अपनाया जाएगा? तो ये है सोनीपत जिले का मॉड्यूल। तो इसके लिए जो है वो जिला प्रशासन ने ई रेवेन्यू आर्काइव प्रोजेक्ट के तहत एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट है कि हरियाणा में कितने जिला अस्पतालों में प्रथम चरण में कैथ लैब शुरू की गई है? तो ये कैथ लैब जो है शुरू की गई है 4 जिला अस्पतालों में। तो ये जो है 4 हैं, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अम्बाड़ा। तो धीरे धीरे जो है ये सभी जिला अस्पतालों में इसको शुरू किया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया जो चल रही है। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं। तो इनका क्वेश्चन आंसर जो है आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी का भी मुझे पता चलता रहे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी पूछे हुए हैं, जो मैंने इसमें करवाए हुए हैं। तो आपने अगर वो वीडियोस देखे हैं तो आप इनका राइट आंसर दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस बेटी ने मिस डेफ एशिया 2018 का खिताब जीता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए प्रियंका रानी, बी कुलवंत कौर, सी रेखा असीजा या डी निष्ठा डुडेजा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया गया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए 1 सितंबर, बी 21 सितंबर, सी 21 अक्टूबर या डी 29 अक्टूबर। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो इससे जब जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ। और जो मैंने इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन था कि प्रदेश में कर्ण स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कर्ण स्टेडियम जो है वो करनाल जिले में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन था कि हरियाणा प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए गठित एसटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एसटीएफ का मुख्यालय जो है वो है गुरुग्राम में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, जो अभी नशे के खिलाफ जो एक पुलिस सेंटर बनाया गया है उसका मुख्यालय जो है वो है हिसार जिले में बनाया गया है, नशा तस्करी को रोकने के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 14 का कि हरियाणा सरकार दिव्यांग महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए कितने रुपए प्रति माह विशेष भत्ता प्रदान करेगी? तो दोस्तों, ये है 1500 रुपये। तो प्रदेश के इतिहास में पहली बार दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को लेकर जो है वो सरकार द्वारा विशेष रूप से कोई तैयारी की गई है। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, ये है सुपर 100। तो हरियाणा सरकार द्वारा NEET और IIT व JEE की तैयारी के लिए राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को जून माह के दूसरे सप्ताह से जो है वो निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रेवाड़ी में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा की अप्रेंटिसशिप
नीति में किस राज्य ने रुचि दिखाई है? तो ये है राजस्थान सरकार। तो युवाओं को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देने के कार्य में हरियाणा राज्य जो वो अग्रणी है, और 2017 में हरियाणा को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हरियाणा प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई वाला शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है पंचकुला शहर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने जो है ये फ्री वाईफाई सेवा का पंचकुला में लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जहांआरा बाग स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो जहांआरा बाग स्टेडियम झज्जर जिले में है। तो यह स्टेडियम जो है वो झज्जर शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि देश का पहला फ्रंट ऑफिस कहाँ पर खोला गया है? तो यह खोला गया है गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम की जिला अदालत में यह देश का पहला फ्रंट ऑफिस खुला है, और इस ऑफिस में आम जनता को जो है वो ये सारी सुविधाएं मिलेगी और जानकारियां मिलेगी जिनके लिए उन्हें कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते थे। नेक्स्ट है कि हरियाणा प्रदेश में महाराणा प्रताप की 478वीं जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों ये मनाई गई है 16 जून 2018 को। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार की नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों पहले 40 साल थी, अब इसको जो है 2 साल बढ़ा दिया है, तो अब ये 42 साल हो गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसके लिए जो है वो सरकार ने पत्र जारी कर कर सेवा नियम में संशोधन भी कर दिया है, उसके निर्देश भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि गांव मंगाली में आयोजित हरियाणा स्टेट सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है दोस्तों भिवानी की टीम ने। तो मंगाली गांव जो है ये हिसार जिले में है। तो कैथल की टीम जो है वो इसमें दूसरे नंबर पर रही है। तो भिवानी ने जो है कैथल की टीम को हराकर यह चैंपियनशिप जीती थी। तो 3 दिवसीय लड़कियों की इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जब मंगाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में किया गया था। नेक्स्ट है कि हरियाणा में कृषि एवं बागवानी क्षेत्र के लिए कौन सी पॉलिसी लागू की गई है? तो ये पॉलिसी है हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2018। तो इससे जो है वो कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की वस्तुओं को खराब होने से बचाने में जो है वो सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत कहाँ पर सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने जा रही है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है अम्बाड़ा में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अम्बाड़ा के गांव मंगलाई में सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने किस प्रकार के जमीनों पर गौशालाएं खोलने की मंजूरी दी है? तो ये है दोस्तों पंचायती जमीनों पर। तो पंचायतें जो है अपने क्षेत्र वाली गौ चराण की जमीनें गौशालाओं तथा निंदेशालाओं के लिए जो वो पट्टे पर भी दे सकेंगी। नेक्स्ट है हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि हरसैक किस जिले में स्थित है? तो हरसैक का जो मुख्यालय है वो है हिसार जिले में। तो हिसार के जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हरसैक का मुख्यालय है। नेक्स्ट है गंगा बचाओ अभियान की तर्ज पर हरियाणा सरकार किस नदी के पानी को बचाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है? तो ये है यमुना नदी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इसके लिए जो है वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की भी मदद ली जाएगी, क्योंकि यमुना का पानी जो है वो दिल्ली की ओर जो सप्लाई होता है। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के गांव लूला अहिर का नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? तो इसका नाम बदलकर किया गया है कृष्ण नगर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा एयरपोर्ट की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में बस पोर्ट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों सोनीपत जिले में। तो अत्याधुनिक सुविधाएं और परिवहन सुविधाओं सेवाओं से लैस बस पोर्ट जो ये सोनीपत के चौहान जोशी में बनाया जाएगा। तो हरियाणा सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मिलकर जो वो इसे बनाएंगे। नेक्स्ट है कि हरियाणा विजिलेंस का चीफ ऑफिसर किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आईपीएस सुधीर चौधरी को।
नेक्स्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खराब जल प्रबंधन में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है वो हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। इसमें जो है झारखंड खराब जल प्रबंधन के मामले में पहले स्थान पर है, हरियाणा दूसरे पे, और इसी में जो है वो सबसे बढ़िया प्रदर्शन में हुआ है गुजरात का जल प्रबंधन के मामले में। नेक्स्ट है कि हरियाणा में कहाँ पर तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है कुरुक्षेत्र जिले में, तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया गया है। तो यह मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह ही है। नेक्स्ट है कि हरियाणा का इकलौता पर्वतीय पर्यटन स्थल मोरनी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मोरनी पर्यटन स्थल जो है ये पंचकुला में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो मोरनी समुद्र तल से 3500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हरियाणा का इकलौता पर्वतीय पर्यटन स्थल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडिया स्किल्स कंपटीशन वेस्ट के हरियाणा प्रदेश के कितने कौशल युवाओं को सम्मानित किया? तो ये किया गया दोस्तों 15 युवाओं को। तो नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इन युवाओं को सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं हर रोज एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आपके आने वाले जो HSSC ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस स्टेट के एग्ज़ाम हैं, तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।